जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल स्वीट होम सर्विसेज 718 के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आसफ आपकी खिदमत में एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम जिस ब्लॉक का विजिट करने वाले हैं वो है अली ब्लॉक अल कबीर टाउन फेज़ टू। अली ब्लॉक का आज हम विज़िट करेंगे और इसके ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड प्लाट का जो है वो हम आज आपको उसका विज़िट कराएंगे, उसका स्टेटस जानेंगे और इसके अलावा उनके अंदर इस टाइम ऑफ ग्राउंड और ऑन ग्राउंड की जो करंट प्राइजेज है वो क्या है, ये सब हम जानेंगे आज के वीलॉग में। जी सर, व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम अली ब्लॉक के बिल्कुल चौंक में खड़ा हूँ, जो कि यहाँ से जाके इसकी रोड एंड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको पार्क मिलेगा और पार्क के आगे इसकी जो दो गलियाँ हैं जो जिसके ऊपर अभी डेवलपमेंट हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये पार्क है और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी, और इसके साथ इसकी दो गलियाँ हैं। अभी आपने कभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, सेल परचेज़ करनी है, तो आपने ये इनकी दो गलियाँ जो हैं पार्क की अगली साइड के ऊपर आप देखें, ये एक गली नंबर आप ये देख रहे हैं और इसके आगे एक गली जो है वो मैं आपको आगे भी इसकी दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है प्लाट जो है ये ऑन ग्राउंड प्लाट है, यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अली ब्लॉक की तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ये इसके सामने भी एक रोड जो है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर पाँच मरले के प्लाट्स हैं और राइट साइड जो है वो इसकी बैक आ रही है जो कि कमर्शल्स की बैक आ रही है। तो मज़ीद जो है वो मैं आपको इसके अंदर इस गली के अंदर भी लेकर जाऊंगा और इसके अंदर एक बड़ी खौफनाक चीज़ है वो जो मैं आपको अभी आगे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा, और उसके अंदर कुछ बैनर्स वगैरह लगे हैं वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, ये जो एरिया है जब भी आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है आपने इसको ऑन ग्राउंड जाकर ज़रूर देखना है। ये एरिया अभी ऑफ ग्राउंड एरिया है, यहाँ पर किसी किस्म का अभी कोई भी डेवलपमेंट काम जो है वो नहीं हो रहा, बिल्कुल हर चीज़ रुकी हुई है। अच्छा व्यूअर्स, ये इसकी पार्क में आगे आपको ये दूसरी गली जो है वो मैं आपको दिखा, तो ये इसकी जो है इसकी सेकेंड स्ट्रीट है ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने आपको नज़र आ रही है, और इसके अंदर भी ये भी ऑन ग्राउंड है। यहाँ पर इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों साइडों के ऊपर आपको यहाँ पर तीन मरला के जो प्लाट हैं वो यहाँ पर क्लियर हैं और आप वहाँ पर सेल परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इसका जो आगे वाला एरिया है और आगे पीछे आपको इसकी बाउंड्री भी नज़र आ रही है, और वहाँ पर जो ये सारा एरिया है उसके अंदर आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जो ऑफ ग्राउंड एरिया है, इसमें सिर्फ वही बंदा जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि साल दो साल ढाई साल के लिए अगर वो ये सोच रहा है इतना टाइम उसके पास वो स्टे कर सकता है तो वो बंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और बाकी जो बंदे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि कोई दो महीना चार माह छः माह के लिए, तो उन लोगों के लिए मेरी ये यानी सजेशन होगा कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, वो फिर आगे अबू बकर ब्लॉक के अंदर चले जाएँ, तो क्योंकि वहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएगा इन फ्यूचर जो है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा मैं आपको इसके आगे वाला एरिया जो है वो भी आज आपको इसका विजिट करूंगा और वहाँ पर कुछ बैनर जो है वो डिस्प्ले हुए हैं तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा और उन बैनर्स के ऊपर क्या यानी मैसेज है वो भी आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आप दोस्त मेरे साथ हैं। व्यूअर्स, ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो लेफ़्ट साइड है इसके ऊपर जो पाँच मरला के प्लाट आ रहे हैं यहाँ पर, और ये इसका इसके ऊपर अभी आप प्लाट लेना चाहिए या ये ऑन ग्राउंड होगा या नहीं, इसके लिए अभी कोई फाइनल हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ मामलात हैं। लेकिन इसकी जो अगर इसकी हम बाउंड्री देखते हैं तो बाउंड्री का एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है अभी हट के है इसके, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे ही अगर देखें तो यहाँ पर कोई मार्किंग जो है वो यहाँ पर नहीं हुई हुई किसी किस्म की, तो यहाँ पर अभी पोजेशन जो है वो इसीलिए लेट भी है ताकि ये सारी चीज़ें जो है ये एक क्लैरिटी के साथ आ जाए, उसके बाद जो है वो सोसाइटी आपको यहाँ पर पोजेशन देने के काबिल जो है वो हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा इसके अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर भी आपको कुछ एरिया इसका दिखाता हूँ कि ये देखें यहाँ पर रोड की जो डिमार्केशन है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, और ये आप देखें ये आपके सामने पूरा रोड जो है वो इसकी डिमार्केशन यहाँ पर हुई हुई है। इसके अलावा इसकी बैक साइड के ऊपर भी आपको एक जो गली है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये आप देखें यहाँ पर भी एक रोड जो है वो यानी जैसे रोड की डिमार्केशन होती है वो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर करके रखी है। और इसके अलावा यहाँ पर यानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने वाली हैं,
और ये जब भी आपने यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपने आना है तो आपने ये चीज़ पहले क्लियर करनी है कि ये ऑन ग्राउंड चीज़ है या नहीं है। और इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ बैनर भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बैनर है वो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो कुछ इतलाए आम है, वो भी मैं आपको पढ़कर जो है वो सुनाता हूँ ताकि जिन लोगों के यहाँ पर प्लाट्स हैं वो अपनी इस चीज़ को थोड़ा सा वेरीफाई कर लें, थोड़ा सा क्लैरिटी जो है वो उसके अंदर लेके आ जाएं ताकि उनको अपनी चीज़ का जो है वो पता चल जाए कि क्या वो उनके पास जो जिस जगह के ऊपर वो मौजूद है क्या वो जगह उनके पास है या अभी ये चीज़ें जो हैं वो हवा में चल रही हैं। तो ये देखें, मैं अभी यहाँ पर अभी ये खाली मैदान ही है तो मैं अभी इसके अंदर आया हूँ और अंदर आके इसकी जो पीछे है वो मैं आपको यहाँ पर जगह जो है एक बैनर लगा हुआ है जो आपको बैनर आपको दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखें कि ये आप बैनर जो है वो आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लोज़अप में करता हूँ ताकि इसको जो है वो पढ़ा जा सके। इतलाए आम, ये जगह निशात ग्रुप की मलकियत है और ब्राय फरोख्त नहीं है, मैं जानब इंतज़ामिया। तो ये एक जो बैनर था ये आपने देखा यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाया। और यहाँ पर आप बाउंड्री भी आप देख रहे हैं, ये सारी जो इसकी बाउंड्री है और इसके आगे जो है ये इसकी फसल लगी हुई है और इन्होंने ये लिख के लगाया हुआ है कि ये जो जगह है ये ब्राय फरोख्त नहीं है। तो अब आप देख लें कि यहाँ पर प्लाट जो है इसी वजह से यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही किसी किस्म की। तो ये व्यूअर्स, ये सूरत हाल है इसकी, ये एक नई डेवलपमेंट जो थी वो आज मैंने आपको इसकी जो यहाँ पर है वो दिखाई है अली ब्लॉक की, क्योंकि अली ब्लॉक की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी मेरे पास कि हमें आप यहाँ पर जो है इसकी कुछ अपडेट दें। तो इसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो भी, यानी अगर हो रही होती तो ये जो बैनर आपको हम दिखाया मैंने अभी, ये बैनर यहाँ पर एक नहीं, ये बाउंड्री के साथ काफ़ी आगे आगे जाकर इसके बैनर जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं यहाँ पर। ये निशात ग्रुप की ज़मीन है और वो यहाँ पर अभी इसको सेल नहीं कर रहे, तो ये उन्होंने बैनर लिख के यहाँ पर लगाया हुआ है, उनके निशात की जो इंतज़ामिया है, निशात ग्रुप है उसकी इंतज़ामिया ने ये लिख के लगाया हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये अली ब्लॉक का कुछ एरिया, जो पीछे वाला एरिया है वो हमने आपको दिखा दिया जहाँ पर बाउंड्री लगी है, बाउंड्री से पहले कुछ एरिया बाकी है जो इनके पास अभी मौजूद है और उसके ऊपर अभी डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे ये, और सिर्फ इन्होंने मेन बुलेवार्ड और मेन की जो बैक की गली है वहाँ पर इन्होंने जो उसकी रोड जो है वो बनाया है इसका, और उसकी डिमार्केशन करने के बाद वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल का काम जो है वो भी यहाँ पे किया है और इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल कर दी है। तो ये इसकी व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि जो इसकी करंट इसकी पोजिशन है इस टाइम इस एरिए की वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर भी बैनर लगा हुआ है और इसी तरह के बैनर जो है ये इन्होंने जगह जगह के ऊपर जो है वो निशात इंतज़ाम ग्रुप की इंतज़ामिया जो है उन्होंने यहाँ पर लगाई है। और इसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो बिल्कुल यहाँ पर ज़ीरो है, इस टाइम कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो रही, जो डेवलपमेंट इसकी हो चुकी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर जैसे ही कोई यहाँ पर नई अपडेट होती है या कोई नई अपडेट यहाँ पर आती है तो वो हम ज़रूर आपको के साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। तो ये अली ब्लॉक का एरिया था जो ओवरऑल मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, और क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि अली ब्लॉक के तल्लक से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है, और उनको मैं यही कहूँगा कि या तो वो वेट करें, अगर वेट नहीं करना तो वो फिर इसको बेच कर निकल जाएँ, क्योंकि जब अगर वो बेचेंगे तो बेचने का जो यहाँ पर प्राइस है वो इस टाइम ये जब से ये बैनर लगे हैं ये 28-30 के बिटवीन जो है यहाँ पर इसके प्राइस इसकी मिल लग रही है। और अली ब्लॉक का बाकी कुछ एरिया जो है बाकी का ये आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला सारा एरिया इनका क्लियर है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर भी इस टाइम किसी किस्म की कोई यानी मशीनरी तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारे रोड्स वगैरह जो है वो उनके ऊपर मोटा बजर जो है वो डाल के कंप्रेस कर दिया गया हुआ है, और ट्रांसफार्मर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हुए हैं ऑलरेडी, और वाटर टैंक जो है वो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि वाटर टैंक भी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद आगे सिर्फ इसका पोजेशन का वेट हो रहा है, ये जो इसकी 400 की नंबरिंग तक के जो प्लाट है ये सारे इसके ऑन ग्राउंड है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की यहाँ पर कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर ज़रूर आप हमें बताएँ,
और हम इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरे चैनल को जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको बर वक्त मिलती रहे। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।